कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 में मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे लोहे बाजार की जानकारी, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही पुराने लोहे में और सरिया के भाव में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, रायपुर पाइप की क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। और मार्केट का ट्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर बिकवाली, इसकी जानकारी भी आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की लोहे सरिया संबंधित जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं किस तरीके से फ्यूचर में कामकाज होगा, तो सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग 9:30 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मिस मत करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट में। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट में कल भी बाजारों में देखा गया, बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। बाजार में आपने देखा जो हफ्ते की शुरुआत हुई, बाजारों में 500 रुपए की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ, 47,000 रुपए बाजार बंद हुआ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी है, जिन लोगों को भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आप लोगों को देखनी होगी, दिसंबर मंथ में बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, किस रेंज में सरिया के बाजार में कामकाज होगा, किस तरीके से पुराने लोहे में, किस तरीके से एमएस इंगट और लोहे में कामकाज हो सकता है, सारी जानकारी के लिए अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाके आप 9:30 का आप शो ज्वाइन करिए, वहां पर आपको प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाएगी। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से पुराने लोहे की अगर बात करेंगे, तो 35,700 रुपये बाजारों में कामकाज हुआ। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,300 रुपये हो गया। लगातार आपको बताते हुए चले आ रहे थे कि बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बाजार में आप आने वाले समय बाजारों में एक अच्छी रिकवरी बाजारों में आप देख के चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ में टोका का भाव 41,200 रुपये हो गया, इंपोर्टेड का भाव 42,200 रुपये। एचआरसी सीआरसी क्वाइल की स्थिति जान लेते हैं। लुधियाना एचआरसी क्वाइल का भाव 54,300 रुपये, सीआरसी क्वाइल का भाव 62,500 रुपये, गाजियाबाद एचआरसी क्वाइल का भाव 55,000 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 62,000 रुपये, कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 53,400 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 61,000 रुपये रहा। यह सभी आप बेसिक रेट है, इस पर आप 18% जीएसटी और लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज आपको अलग से दे होगा। चलिए अब जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर में भी एक 300-400 रुपये की अच्छी बढ़त दर्ज करेगी। रायपुर एचबी वायर का भाव 49,500 रुपये हो गया, जीआई वायर का भाव 54,200 रुपये, एमएस पाइप का भाव, गोविंदगढ़ पाइप का भाव 49,500 रुपये, रायपुर पाइप का भाव 47,000 रुपये पर बाजारों में कामकाज हुआ। चलिए बात करेंगे अब कुछ मंडियों के टीएमटी में किस तरीके से कामकाज हुआ। मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी और सभी टीएमटी के भाव में 300 से 500 रुपये की प्रति टन की बढ़त दर्ज करी गई। मंडी गोविंदगढ़ का भाव 51,400 रुपये हो गया, दुर्गापुर का भाव 47,500 रुपये, इंदौर का भाव 53,300 रुपये, रायपुर का भाव 47,300 रुपये रहा। इसी तरीके जयपुर का भाव 50,000 रुपये, मुजफ्फरनगर का भाव 49,300 रुपये, भावनगर का भाव 52,600 रुपये, गाजियाबाद का भाव 51,000 रुपये, जलना का भाव 51,500 रुपये बाजारों में देखा गया। तो ये भी जो रेट बताए गए हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। चलिए आज जानेंगे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। आज का अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो सपोर्ट का लेवल 46,100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 47,800 रुपये का। इसी तरीके गोविंदगढ़ में एमएस स्क्रैप का एक ट्रेडिंग रेंज अगर सपोर्ट का बात करी जाए तो 35,000 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 36,600 रुपये। सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली करते हुए जरूर चलिए, समय समय पर मुनाफा वसूली जरूर करते हुए चलेंगे, और बाजार में गिरावट आएगी तो गिरावट पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में एंगल चैनल पाइप गार्टर के भाव में आप एक अच्छी बढ़त बाजारों में, सरिया के भाव में अच्छी बढ़त बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।